डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल अब्दुल मजीद और आज हम चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स क्लास 8 लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है। तो बच्चों, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की डेफिनेशन करेंगे। ये आप लोगों को मैं पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले देखें बिना टाइम वेस्ट किए, एनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 10 डिजिट्स। अब वो 10 डिजिट्स कौन से हैं? कोई भी नंबर आप जिसको बनाते हैं इन 10 डिजिट्स से, वो कौन कौन से हैं जी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखें ना बच्चों, इन तमाम ये जो 9 आपको 10 डिजिट्स आपको दिखाए गए हैं 0 से 9 तक, इन्हीं नंबर्स को आपस में कंबाइन करके आप अदर नंबर्स बना सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 9 के बाद 10 आता है तो 10 बनाने के लिए मुझे 1 चाहिए और 0 चाहिए। यानी कि इन्हीं नंबर्स में से ही आपने नंबर्स को मिलाकर और नंबर्स आप मज़ीद बना सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है नंबर सिस्टम की। यहाँ से एनी नंबर से लेकर और यहाँ 9 तक आपने, आगे आपने लिख देना जी, दैन इज़ कॉल्ड नंबर सिस्टम। आगे नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास इसकी कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे हमारे पास नंबर सिस्टम्स में बेसिकली तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास होता है जी बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। बेस ऑफ द नंबर सिस्टम में हमारे पास इसकी 3 कैटेगरीज आती हैं। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर हमारे पास है बच्चों नंबर सिस्टम विद बेस 2। नंबर सिस्टम विद बेस 2। बेस नंबर सिस्टम्स में हमारे पास इसकी 3 आप कह लें कि कैटेगरीज आती हैं, या 3 आप इसकी टाइप्स कह लें। तो वो हमारे पास पहले नंबर पे है जी नंबर सिस्टम विद बेस 2। अ नंबर सिस्टम फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स। ऐसा नंबर सिस्टम जो सिर्फ 2 डिजिट से मिलकर बनता है, जैसा कि 0 और 1। यानी कि नंबर सिस्टम्स के अंदर 0 और 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, इस तरह की आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि उसने बात की है विद बेस टू। अब जो विद बेस 2 वाले हमारे पास नंबर होते हैं, वो हमारे पास उसने बता दिया कि इसमें आपने 0 यूज़ करना है और 1 यूज़ करना है। तो मैं अपने पास एक वैल्यू ले लेता हूँ जी 1, 0, 1, 1, 1, 0। और विद बेस 2 का क्या मतलब है कि ये ब्रैकेट के नीचे आपने, इसको कहते हैं बेस। बच्चों, इसको क्या कहते हैं जी? बेस कहते हैं। तो जितनी भी बेस वो कहेगा विद बेस 5, विद बेस 8, ठीक है, जो भी वो बेस की बात करेगा वो आपने यहाँ पर वैल्यू लगानी है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। और जो हमारे पास विद बेस 2 होता है नंबर्स होते हैं, वो हमारे पास बाइनरी नंबर्स भी, इनको हम कहते हैं, इसका अदर नेम है बाइनरी नंबर्स। यानी कि बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं? ठीक है, बाइनरी नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें आप 0 और 2 यूज़ करते हैं विद बेस 2 के साथ। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। ये मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये आपने डेफिनेशन कितनी करनी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा अ नंबर सिस्टम फॉर्म बाय 2 डिजिट्स 0, 1 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम कहते हैं। एंड इट्स बेस इज 2। यहाँ तक बच्चों आपने इसे कर लेना है। इसकी जो बेस है वो हमारे पास क्या होगी जी? 2 होगी। क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन नंबर सिस्टम विद बेस 2, या क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, डिफाइन बाइनरी सिस्टम नंबर या व्हाट इज बाइनरी सिस्टम नंबर। ठीक है, तो ध्यान से आपने ये वर्ड सुनना है कि या तो नंबर सिस्टम विद बेस 2 आ जाए, या व्हाट इज बाइनरी नंबर, या व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ ले तो बच्चों आपको इसका आंसर आना चाहिए। इसमें 0 और 1 हमारे पास डिजिट यूज़ होते हैं, और उसकी जो बेस है वो कितनी होती है जी? 2 होती है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो हमारे पास है जी नंबर सिस्टम विद बेस 5। बच्चों, नंबर सिस्टम विद बेस 5 हम पढ़ेंगे। उसमें क्या रहा है कि दिस नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व शामिल होते हैं डिजिट्स कौन कौन से? 0, 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि इसमें हमारे पास टोटल
फोर ज़ीरो से लेकर फोर तक, क्योंकि ज़ीरो भी आपने काउंट करना है। देखिए ना, ज़ीरो ज़ीरो वन टू थ्री फोर, टोटल कितने हो गए? पाँच। तो हमारे पास जो विद बेस फाइव नंबर सिस्टम होगा उसमें आपके पास जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? ज़ीरो वन टू थ्री फोर। क्लियर हो गया? और इसमें वो बात कर रहा है कि द लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा डिजिट इन, द लार्जेस्ट डिजिट इन बुक को ना बच्चे, आप ना जब लेक्चर ले रहे हो तो आप बुक को सामने रखा करें, ताकि जैसे जैसे हम आपको बताएं वैसे वैसे आपको बुक से क्लियर हो जाए और साथ साथ आप निशान लगा लें, ताकि आपको कोई मसला ना हो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि द लार्जेस्ट डिजिट, जो सबसे बड़ा डिजिट होगा इन बेस फाइव, यानी कि जो बेस फाइव हमारे पास सिस्टम है उसमें जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो कौन सा होगा? फाइव नज़र फोर सॉरी वो आपको नज़र आ ही रहा है जी, ज़ीरो वन टू थ्री एंड फोर। तो इन सब में से सबसे बड़ा हमारे पास जो डिजिट है वो कौन सा है जी बच्चों? फोर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे आप लिख लें जी, देन इज़ कॉल्ड या इज़ कॉल्ड, ठीक है, मैं सिंपल सा आपको लिख देता हूँ, इज़ कॉल्ड नंबर सिस्टम विद बेस फाइव। ये चीज़ आपने यहाँ पर लिख देनी है, मैं एरो बना देता हूँ। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम्स हमारे पास, उससे पहले हम एक डेफिनेशन छोड़ गए हैं, वो हमारे पास है जी नंबर सिस्टम विद बेस एट। बच्चों इसको ना ऑक्टल नंबर भी कहते हैं, ठीक हो गया, इसका अदर नेम ऑक्टल नंबर है। क्वेश्चन आ जाए जी, डिफाइन नंबर सिस्टम विद बेस एट, या क्वेश्चन आ जाए जी व्हाट इज ऑक्टल नंबर। तो बच्चों आपने जो डेफिनेशन आपको मैं ये करवाने लगा हूँ आपने वही करनी है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। बुक निकाल कर सामने आप इसको साथ साथ पढ़ा करें जैसे आपको हम पढ़ाएं, और आपका साथ ही क्लियर हो जाएगा। द नंबर सिस्टम विद बेस एट, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस एट हो इज कॉल्ड कहलाता है, कौन सा नंबर? ऑक्टल सिस्टम नंबर हमारे पास कहलाता है, या इसे ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर एट डिजिट्स, टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? एट डिजिट्स होते हैं। कर लें जी स्टार्ट, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। अब इसको काउंट करें तो टोटल एट बनते हैं, क्योंकि ज़ीरो भी आपका काउंटिंग में इंक्लूड होगा, ठीक हो गया बच्चों। और इसमें आके वो बता रहा है कि द लार्जेस्ट डिजिट इन बेस एट सिस्टम इज सेवन। बच्चों ये आपने कंप्लीट डेफिनेशन करनी है यहाँ से, यहाँ आगे आपने क्या देना जी, इज कॉल्ड आपके पास नंबर सिस्टम विद बेस फाइव कहलाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है वो हमारे पास बनती है जी डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ द मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नंबर सिस्टम है हमारे पास, वो कौन सा है जी? पॉपुलर से मुराद बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, वो कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम है जी। इन दिस सिस्टम टेन डिजिट्स हमारे पास कौन से हैं? ज़ीरो टू नाइन, ठीक है, ज़ीरो वन टू थ्री हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आर यूज्ड। इसमें ये टेन डिजिट्स यूज होंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन से हैं टेन डिजिट्स, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी कि टेन डिजिट्स वो कौन से कह रहे हैं, आर यूज्ड। टेन डिजिट्स जो है इसमें इस्तेमाल होंगे। एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर्स ऑफ टेन एंड टेन इज कॉल्ड इट्स बेस, यानी कि जो हर नंबर है, ठीक है, वो एक्सप्रेस होगा सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर, यानी कि आपने 10 की पावर्स में आपने नंबर्स को लेना है, ठीक है। तो 10 की पावर, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू है, तो उस बड़ी वैल्यू को आप लिख नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर, पॉइंट की फॉर्म में लिखकर बाकी वैल्यू को आप 10 की पावर में लिख देते हैं। बच्चों मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है 1750000, तो बड़ा नंबर है बच्चों, कहाँ से हम इसे लिखते फिरेंगे, ठीक है। तो सिंपल इसको आप क्या करें, 10 की पावर में अगर आपने लिखना है, विद बेस 10 की पावर में आपने लिखना है, या विद बेस 10 के साथ लिखना है, तो वो भी मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। या तो आप इसको उठाकर इधर ले जाएं, ठीक है, या आप इसको इस तरह, इसके सबसे लास्ट में जो होगा हमारे पास वो पॉइंट होगा बच्चों, जिसका पॉइंट दरमियान में नहीं होता उसका लास्ट में होता है,
ठीक है। यहाँ पर ना आपको एक और डेफिनेशन जो आप थोड़ा बहुत आगे जाकर आपकी जो साइंस की बुक है उसमें फिजिक्स आप अगली क्लास में पढ़ोगे उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उसमें एक डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी। वो डेफिनेशन बच्चों साइंटिफिक नोटेशन की है, वो आपको बता देता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, डेसिमल बेसिकली डेसिमल पॉइंट हमारे पास होता है, ये डॉट को कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा तो बच्चों इसका डेसिमल जो पॉइंट है हमारे पास सबसे लास्ट पर है। मैंने क्या करना है, मैंने इस पॉइंट को उठाकर लेफ्ट साइड पर ले आना है और एक हिंसा छोड़कर, एक हिंसा, एक नॉन जीरो वर्ड छोड़कर लिख देना है। कैसे बच्चों, देखिए ज़रा, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 की पावर 9। बच्चों आपने क्या करना है, आपने जब भी पॉइंट को राइट साइड से आप लेफ्ट साइड में लेकर आएँ तो 10 की पावर में जितनी वैल्यूज पॉइंट जंप करके आएगा उतनी 10 की पावर में आपने लिख देना है। ठीक हो गया बच्चों। और अगर बच्चों आपके पास क्या नाम है, अगर आपके पास आप पॉइंट को उठाकर पॉजिटिव लेंगे और अगर पॉइंट को आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं तो आपने 10 की पावर नेगेटिव लेनी है। सिंपली आप जस्ट इतना याद रखें। आगे इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको मैं इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। उम्मीद है आपको डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली आपने तीनों ये जो आपको डेफिनेशंस मैंने करवाई हैं ये भी आपने सारी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।